हेलो दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको नई छिटकुल देने वाला हूँ, जैसे कि जितने भी एक्टर हैं उनकी सारी कारों का आपको नंबर और छिटकुल देने वाला हूँ, और उनकी कार कलेक्शन भी आपको गाड़ियों का दिखाने वाला हूँ। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। फाइनली हम अपने घर से निकल चुके हैं, जैसे कि हम जाने हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से वहाँ पर ही सारे कार कलेक्शन का आपको हीरो के एक्टर एलिस भाई MRH एकल की साहब की आपको कार देने वाले हैं। सौरभ जोशी सब की कार आपको देने वाले। जैसे हम यहाँ से जा रहे थे एयरपोर्ट, तो पीछे देखिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आपको वीडियो को आज लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ ही देर बाद हम निकल सकते थे। सामने ये कार है, जैसे हमें सामने एयरपोर्ट पर जाना नहीं देगी, इसलिए हम उतरते हैं इस कार से। और कुछ ही देर बाद चल के देखते हुआ क्या मस्त कार हम इस कार में बैठे आते हैं। इस कार से ही हम इस एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं, वरना हमको बाहर निकल पाएगा। ऐसा है कि हमें जाती एयरपोर्ट तो नहीं आएंगे, हम इधर मोड़ देते फिर पता चला एयरपोर्ट तो सामने निकाला है। कुछ ही देर हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अब जैसे कि हम चलते सीधे यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं, और भी हम इसी ये घर है। इस गाड़ी के ऊपर भाई की गाड़ी का कार कलेक्शन है। जैसे कि हर एक कार मिलेगी आपको, वहाँ पर भी हमारी भी कार आपको मिल सकती है। जैसे कि अब चलते हैं इनकी भाइयों की सबकी फिटिंग में। आए प्लीज सब्सक्राइब करना ना बोले। कुछ ही देर में हम सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे चढ़ के हम आ जाते हैं। जिससे जैसे कि हमें यहाँ से प्लेन दिखाई दे रहा है, और भी वहाँ चल जाके हमारी ये हमें ट्रैक दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो यहाँ पर तो सब भाइयों की गाड़ी ठाड़ी है। जैसे कि पहले नंबर पर आती है हमारे इंडियन एक्सप्री कार, फिर ये फिल्मों का दिखाई देती है, ये लैम्बोर्गिनी आती है, और ये न्यू कार अपडेट हुई है गाँव में। और ये हाँ, ये फोर्स गार्ड है, ये पवन भाई की गाड़ी है, और ये एलिस भाई की गाड़ी है, और ये अक्षय कुमार की गाड़ी है, जैसे कि आपको सबको पता होगी। और ये दो गाड़ी पुरानी कितनी है भाई। और ये चलते सामने की, जैसे कि ये नेक्स्ट गाड़ी थी आपने देखनी होगी। और कुछ ही देर ये अब आप लोग कहते हैं आपका क्या है, तो ये हमारा ट्रक है जिससे मैं इन सब की कार ले आने वाला हूँ। कुछ ही देर बाद मैं इन सब भाइयों की कार ट्राई करता हूँ। जैसे कि ये बैठने वाला था, प्लीज़ ये फिर चढ़ने निकली। फिर मैंने पवन भाई की और एलिस भाई की गाड़ी यहाँ से ले जा रहा हूँ। कुछ ही देर बाद यहाँ से एयरपोर्ट से निकलने के लिए मैं रास्ता भूल गया था, तो थोड़ा सा ही देर बाद पता चला ये रास्ता तो कैसे। फिर धीरे से स्टीयरिंग हो रहा कि हमने इधर को रास्ता काट लिया है। और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि यार फाइनली हम पहुंच जाएंगे अपने घर पर इन दो कारों को लेकर। जैसे पवन भाई और एलिस भाई की कार निकाल के हम जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ से निकलते होते कुछ ही देर हमारे ट्रक यहाँ पे एडजस्ट हो जाते, जैसे हम निकल सकते हैं। और पता चलता यहाँ पे तो ये हमको आगे नहीं जाने दे रहा था, इसलिए फिर हमें इससे बात करते फिर आ जाते अपने कार में। पता चल यहाँ पर तो सामने इसने पुलिस बुला ली थी, इसलिए इस पुलिस वालों ने हमारा ट्रक रुकवा दिया। उतर के ट्रक में से यहाँ पे तो इंडियन आर्मी का एक कैप्टन दिखा देता है। इससे वो हमसे बोलता है क्या है आपके ट्रक में, प्लीज़ ये तो हमारे मालिक का सामान है, हम इसको डिलीवरी करने जा रहे हैं, इसलिए ओके आप जा सकते हो। इसलिए वो बोल कर अपनी कार में बैठ चुका था। और कुछ ही देर बाद पता चलता कि हम अपना ट्रक लेकर यहाँ से निकल रहे थे। फिर भी हल्का सा क्रोच आ गया था पुलिस वाली, फिर भी उसने कुछ नहीं किया और धीरे से निकल कर हम आ चुके हैं अपने घर पे इसे झूठ बोल के। और यही हम सामने अपना ट्रक से कार उतार के ये अपने घर के देखते हैं, उतर जाते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि ये फॉर्चुनर कार थी।